हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज इस के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इस सीरीज़ में देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो माई सेल्फ आशीष मिश्रा, कंप्यूटर साइंस लेक्चरर, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं, टाइप्स क्या है, व्हेन वी विल यूज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स, व्हाई वी विल यूज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड हाउ, किस तरीके से, कहाँ इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होना है, लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे, फिर विद एग्जांपल एंड विद प्रोग्राम, फिर उसके बाद इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे और प्रोग्राम भी देखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, लॉजिकल ऑपरेटर मतलब दैट आर यूज टू कम्बाइन टू और मोर रिलेशन लॉजिकली, मतलब ये वो ऑपरेटर्स होते हैं बच्चों जो दो या दो से ज़्यादा रिलेशंस को, रिलेशंस का मतलब बच्चों कंपैरिजन या कंडीशंस, ठीक है ना, उन्हें कंबाइन करें लॉजिकली, ठीक है ना, लॉजिकली बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है ना, जो भी मैं बताऊंगा, एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट इन बूलियन वैल्यू। और बच्चों, ये जो रिजल्ट देता है, जो आउटपुट देता है ये ऑपरेटर्स, कैसा देता है? बूलियन वैल्यूज़ में, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स में, ठीक है। यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो दो से ज़्यादा रिलेशंस को या कंडीशंस को चेक करें लॉजिकली बाय यूजिंग लॉजिकल सिंबल्स एंड गिव्स द आउटपुट इन बूलियन वैल्यू। बच्चों, बूलियन वैल्यू का मतलब होता है यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है ना। दीज आर यूज टू चेक मोर देन वन कंडीशन। वही बात बच्चों, एक से ज़्यादा कंडीशंस जहाँ हो, एक से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस जहाँ यूज़ हो रहे हो, वहाँ पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। दीज आर यूज टू कंबाइन मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशंस। अब बच्चों, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। बच्चों, ए इज ग्रेटर देन बी एंड, ये बच्चों एक लॉजिकल सिंबल है, लॉजिकल ऑपरेटर का सिंबल है, एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ए इक्वल्स टू बी। बच्चों, अब यहाँ पे दो एक्सप्रेशन हो गई, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अगर बच्चों, सिर्फ अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन देखा था, रिलेशनल ऑपरेटर होता है जो सिंगल, हम लोग इस सिंगल एक्सप्रेशन या सिंगल कंडीशन से इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चों, एक ये एक्सप्रेशन हो गई और एक ये हो गई, यानी कि दो एक्सप्रेशन, यानी कि दो रिलेशनल एक्सप्रेशन हो गई। अब इन दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए एक लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि बात आपको समझ में आई होगी, लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ इस्तेमाल होंगे? जहाँ एक से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशंस होंगे, वहाँ पे हम लोग रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि ये वो ऑपरेटर होता है जो प्रोड्यूस करता है आउटपुट इन ए बूलियन वैल्यू, इन ए बूलियन टर्म्स, यानी कि आइदर ट्रू और फॉल्स। और जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर मेमोरी में इन वर्ड्स को इन न्यूमेरिकल वे में स्टोर रिटर्न किया जाता है, यानी कि ट्रू को रिटर्न किया जाता है वन से और फॉल्स को रिटर्न किया जाता है ज़ीरो से, ठीक है ना। ट्रू को रिटर्न किया जाता है वन से और फॉल्स को ज़ीरो को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब बच्चों, सी प्रोग्रामिंग में वन का मतलब बच्चों से ये नहीं है कि जब वन आएगा जिसका उसे ही एज ए रिकार्ड टू किया जाएगा, उसे ही एज ए रिकार्ड टू किया जाएगा। कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू जो होगी, कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, उसे भी एज ए रिप्रेजेंट या रिगार्ड किससे करेंगे? ट्रू से। और कोई भी जो ज़ीरो वैल्यू होगी बच्चों, उसे रिकार्ड किया जाएगा फॉल्स से। इस बात को याद रखिएगा। ज़्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि वन को ही ट्रू समझा जाएगा, वन मतलब ट्रू, ऐसा नहीं है। कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू जो होगी, उसे भी एज ए ट्रीट किया जाएगा, रिगार्ड किया जाएगा ट्रू वैल्यू, एंड ज़ीरो को रिगार्ड किया गया बच्चों एज ए फॉल्स, ठीक है ना। बच्चों, लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स बच्चों तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है लॉजिकल एंड, जो दो एम्परसेंट सिंबल से शो किया जाता है। एक होता है लॉजिकल और, जिसमें दो पाइप सिंबल्स लगाए जाते हैं, ये बच्चों पाइप सिंबल है। और लॉजिकल नॉट, जो एक्सक्लेमेशन मार्क से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। लॉजिकल ऑपरेटर आपके ये तीन होते हैं, लॉजिकल एंड जिसमें दो आपको एंड लगाने पड़ेंगे, दो एम्परसेंट, लॉजिकल और जिसमें आपके दो पाइप सिंबल इस्तेमाल हो गए, और लॉजिकल नॉट यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क। अब बच्चों, इसमें एक चीज़ और थोड़ा आपको याद रखनी पड़ेगी, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और दोनों बच्चों
बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में है। बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है ना। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? बाइनरी ऑपरेटर में, ठीक है ना। और बाइनरी ऑपरेटर, जैसे कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया होगा, बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है दैट रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स, ठीक है ना। यानी कि एंड और दो ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट करते हैं। लेकिन बच्चों, जो लॉजिकल नॉट होता है ये आपका यूनरी होता है, ये आपका यूनरी ऑपरेटर होता है। इसके लिए सिंगल ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और दोनों आपके बाइनरी ऑपरेटर हैं, और लॉजिकल नॉट जो होता है ये यूनरी ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो बच्चों, अब सबसे पहले टाइप ऑफ ऑपरेटर देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जिसका बच्चों सिंबल क्या होता है? दो एम्परसेंट, ठीक है ना, दो एम्परसेंट। अब बच्चों, इस लॉजिकल एंड की प्रॉपर्टी क्या है वो हम समझते हैं पहले, फिर इसका हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है ना। तो लॉजिकल एंड क्या है? इफ़ ऑल द एक्सप्रेशंस या ऑपरेंड्स वैल्यू आर ट्रू, इफ़ ऑल द एक्सप्रेशंस या ऑपरेंड वैल्यूज आर ट्रू, देन ओनली द आउटपुट विल बी ट्रू, देन ओनली द आउटपुट विल बी ट्रू। इफ़ एनी ऑफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स, कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होगा देन आउटपुट विल ऑल्सो बी फॉल्स। जिसका मतलब है बच्चों कि लॉजिकल एंड में जब सारे एक्सप्रेशन ऑपरेंड वैल्यू ट्रू होगी तभी आउटपुट आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज अगर कोई भी एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो आउटपुट भी फॉल्स ही आएगा। इसकी ट्रुथ टेबल भी देख लेते हैं। हमने एक ट्रुथ टेबल बना ली है 0001 1011। जैसे 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को और 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को, तो मैंने ब्रैकेट्स में लिख रखा है। 0 के ब्रैकेट में लिख दिया हमने फॉल्स, 0 के ब्रैकेट में, और 1 के ब्रैकेट में हमने ट्रू। तो 0 0 फॉल्स, दोनों ही फॉल्स हैं। 0 1 एक ट्रू है एक फॉल्स है, जबकि हमें चाहिए दोनों ट्रू, इसलिए ये भी फॉल्स। 1 0 ये भी फॉल्स। जब दोनों ट्रू हैं यानी कि दोनों 1 है तो आउटपुट आपका ट्रू। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बच्चों इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए बच्चों, एक वेरिएबल ली हमने ए, उसमें वैल्यू दे दी 10, स्टोर करा ली। बी, उसमें करा दी 4 वैल्यू स्टोर, ठीक है ना। ए में 10 और बी में 4। सबसे पहला हमने रिलेशनल एक्सप्रेशन विद लॉजिकल ऑपरेटर लगाया, जैसे कि मैंने लगाया ए इक्वल्स टू बी एंड बी इज लेस देन ए, ठीक है ना। तो ए इक्वल्स टू बी यानी कि क्या 10 इक्वल्स टू 4 है क्या? नहीं है। जब नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्या आ जाएगा? फॉल्स, यानी कि 0। बी इज लेस देन ए, बी की वैल्यू है 4, क्या 4 इज लेस देन 10? यस, ट्रू, यानी ये आ जाएगा ट्रू। अब बच्चों, एक एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है फॉल्स और एक एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है ट्रू। अब क्योंकि बीच में इसे कंबाइन कौन से ऑपरेटर से किया गया है? लॉजिकल एंड से। ये क्या कहेगा कि जब आपका फॉल्स और ट्रू होगा तो आउटपुट आपका क्या आएगा? फॉल्स, यानी कि 0, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, क्या 10 4 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, यानी कि ये दे दिया हमने ट्रू, यानी कि 1 दे दिया। बी इज लेस देन ए, क्या 4 10 से छोटा है? हाँ भाई, ये भी एक्सप्रेशन ट्रू है, यानी कि यहाँ भी दे दिया हमने 1। अब दोनों जगह 1 है यानी दोनों जगह ट्रू है और बीच में एंड लगा है, तो ये आउटपुट क्या देगा बच्चों? 1। यानी अब हमें बात समझ में आ रही है, जब हमें दोनों कंडीशंस, दोनों एक्सप्रेशन अगर हमारी ट्रू होंगी तो ही हमारा आगे का जो एक्सप्रेशन होगा, आगे का स्टेटमेंट होगा, वो आउटपुट में एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन या कंडीशन फॉल्स हुई तो आगे वाला सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट आपका फॉल्स में आएगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। अब बच्चों दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर पे। लॉजिकल और ऑपरेटर का बच्चों सिंबल याद रखिएगा, ठीक है ना, दो पाइप सिंबल्स, वर्टिकल लाइंस। लॉजिकल और ऑपरेटर की बच्चों जो प्रॉपर्टी है पहले वो देख लेते हैं। इफ़ एनी वन ऑफ द एक्सप्रेशन और ऑपरेंड्स वैल्यू आर ट्रू, मतलब कोई भी एक एक्सप्रेशन ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होती है तो आउटपुट विल बी ट्रू, तो आउटपुट आपका ट्रू हो जाएगा।
लेकिन इफ़ ऑल द एक्सप्रेशन इज फॉल्स, कब, जब सारे एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हो जाएंगे देन ओनली द आउटपुट विल बी फॉल्स। इसका मतलब है अगर कोई एक एक्सप्रेशन भी आपकी ट्रू हो रही होगी तो लॉजिकल और ऑपरेटर आपको ट्रू एक्सप्रेशन या ट्रू वैल्यू रिटर्न करके देगा। ट्रुथ टेबल देख लेते हैं इसकी, ए बी ए और बी, 0 0 फॉल्स 0, 0 1 सिंगल वन है यानी एक ट्रू है आउटपुट इनपुट, तो आपका क्या आ जाएगा ट्रू, 1 0 यानी कि एक इनपुट आपका यहाँ भी ट्रू मिल रहा है यानी कि ट्रू, जब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू यानी कि 1 मिलेगा ही, ठीक है ना बच्चों। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि लॉजिकल और ऑपरेटर सिंगल एक्सप्रेशन या कोई सिंगल इनपुट आपका ट्रू मांगता है, और अगर सिंगल इनपुट कोई भी ट्रू होगा तो आउटपुट भी आपका ट्रू ही रिटर्न करके देगा। फॉल्स कब आएगा, जब सारे एक्सप्रेशन या सारे ऑपरेंड वैल्यू या इनपुटेड वैल्यू आपकी फॉल्स होंगी। अब बच्चों इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए में ले लिया हमने 10 और बी में ले लिया हमने 4। अब क्या ए इज ग्रेटर देन बी, क्या 10 4 से बड़ा है, यस ट्रू यानी क्या आ जाएगा 1। दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं, क्या बी इक्वल्स टू 5, क्या 4 इक्वल्स टू 5 है, नहीं यानी ये क्या आ जाएगा फॉल्स यानी कि 0। अब बच्चों एक तरफ 1 है आया है यानी कि ट्रू, एक तरफ फॉल्स, और बीच में लगा क्या है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर क्या करेगा आपका, क्योंकि आपका एक एक्सप्रेशन ट्रू हो रहा है यानी कि रिजल्टेंट भी क्या आ जाएगा ट्रू यानी कि 1, ठीक है। बात समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चों अब थर्ड कैटेगरी का जो ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर बच्चों इसका सिंबल ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है ना। और इसके बारे में भी एक बात बच्चों जान लें, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो होता है ये यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। यूनरी ऑपरेटर यानी कि इट रिक्वायर्स ए सिंगल ऑपरेंड, इसे एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। इट विल गिव द कॉम्प्लीमेंट और निगेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन और ऑपरेंड। बच्चों कोई भी एक्सप्रेशन अगर हम सप्लाई करते हैं, कोई भी ऑपरेंड हम लोग देते हैं, तो वो इसका क्या रिटर्न करता है, कॉम्प्लीमेंट और निगेशन, मतलब जस्ट अपोजिट। अगर हमारा एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये निगेशन करके क्या दे देगा फॉल्स, अगर हमारा एक्सप्रेशन या ऑपरेंड वैल्यू फॉल्स हो रही होगी तो ये रिटर्न करके क्या दे देगा ट्रू, ठीक है ना। जस्ट निगेशन या कॉम्प्लीमेंट्स, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 4, ठीक है ना। सबसे पहले हमने एक ऑपरेंड पे इसे चेक करा लिया, सिंगल ऑपरेंड पे हमने 5 लिखा। बच्चों मैंने इससे पहले अभी बताया होगा आप लोगों को, कोई भी जो नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी वो भी आपकी ट्रू यानी कि 1 ही को एज ए रिगार्ड किया जाएगा, ठीक है ना। यानी 5 एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है यानी कि ये भी ट्रूथ होगी, 1 होगा, और इस पे जब बच्चों निगेशन लगेगा तो ये रिटर्न क्या करके दे देगा फॉल्स यानी कि 0। इसी तरीके से नॉट इक्वल टू 0, अब ये तो 0 ही है तो ये तो एज ए रिगार्ड फॉल्स ही है, लेकिन जब इस पे निगेशन लग रहा है तो ये क्या रिटर्न करके देगा ट्रू। अब बच्चों इसी निगेशन को हमने एक एक्सप्रेशन में यूज़ कर लिया, एक रिलेशनल एक्सप्रेशन में, ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या 10 इज़ ग्रेटर देन 4, हाँ भाई ट्रू, लेकिन निगेशन लगा हुआ यानी कि ये रिटर्न करके क्या दे देगा फॉल्स, क्या रिटर्न करके दे देगा फॉल्स। अब बच्चों इन तीनों ऑपरेटर्स को, लॉजिकल एंड है और है नॉट को, एक प्रोग्राम में समझ लेते हैं और क्लियर होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था विद एग्जांपल विद प्रोग्राम आपको बिल्कुल क्लियर करके दूंगा जो भी कॉन्सेप्ट होगा। दोनों हेडर फाइल्स लगाए, stdio.h conio.h, ठीक है ना, void main लगाया, फिर ओपनिंग कर्ली ब्रेस के बाद int a इक्वल्स टू 4 b इक्वल्स टू 2, यानी कि a वेरिएबल में हमने 4 स्टोर करा दिया, b में हमने 2, और दोनों के डेटा टाइप क्या है int, क्लियर स्क्रीन लगा लिया। सबसे पहला प्रिंट एफ लगाया बच्चों परसेंडी कॉमा, बच्चों परसेंडी क्यों लगाया, क्योंकि हमारी भले ही बूलियन वैल्यू रिटर्न हो रही है, कंप्यूटर मेमोरी में इन दोनों वर्ड्स को न्यूमेरिकली डिफाइन किया जाएगा 1 और 0 से, ठीक है, 0 और 1 से। 4 इज लेस देन 2, कंडीशन क्या होगी बच्चों फॉल्स। 4 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन क्या होगी ट्रू यानी कि 1, लेकिन बच्चों बीच में लगा क्या है एंड, क्या लगा है लॉजिकल एंड, और लॉजिकल एंड का मतलब है फॉल्स और ट्रू दोनों में जब लॉजिकल एंड लगेगा तो रिटर्न आपको क्या करेगा फॉल्स, यानी कि क्या प्रिंट होना चाहिए 0, क्या प्रिंट होगा 0। इसी तरीके से हमने फिर प्रिंट एफ लगाया, पी एफ बच्चों मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप प्लीज़ पूरा ही लिखिएगा प्रिंट एफ, परसेंटी कॉमा 4 लेस देन 2, ये होगा बच्चों फॉल्स।
फोर ग्रेटर देन टू ये होगा ट्रू, लेकिन बीच में क्या लगा है लॉजिकल और। लॉजिकल और ये कहता है कोई एक एक्सप्रेशन आप ट्रू दोगे तो रिजल्ट भी ट्रू ही मिलेगा, यानी क्या प्रिंट हो जाएगा वन। फिर प्रिंट एफ लगाया परसेंटी कॉमा, अब निगेशन यूज कर लिया, क्या फोर इज लेस देन टू, कंडीशन क्या है बच्चों फॉल्स, लेकिन निगेशन ऑपरेटर लगाए यानी कि फॉल्स को क्या बना देगा ट्रू, प्रिंट क्या हो जाएगा जीरो वन वन। ठीक है, तो आज का बच्चों हम लोग का इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑन कंप्यूटर देखते हैं क्या है। तो आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, द फर्स्ट एवर हार्ड डिस्क ड्राइव, एस डी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, वॉज मेड इन 1979। पहली हार्ड डिस्क ड्राइव जो थी वो कब थी, 1979 में मेड हुई बनी, एंड कुड होल्ड ओनली 5 MB ऑफ डेटा। जो बच्चों 1979 की हार्ड डिस्क थी उसमें कितना डेटा स्टोर किया जा सकता था, सिर्फ 5 MB का, मतलब 5 MB का। तो जो पहली हार्ड डिस्क ड्राइव थी वो कब बनी, 1979 में, और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी बच्चों वो कितनी थी, सिर्फ 5 MB। ठीक है, ओके, थैंक यू।